स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज फोर्थ बी, क्वेश्चन नंबर सेवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन से, एक्सरसाइज फोर्थ बी। क्वेश्चन नंबर सेवन से पहले अगर किसी को कोई डाउट है 1 to 6 क्वेश्चन में, तो पहले वो हमसे पूछ लीजिए। क्लियर स्टूडेंट? अपेक्षा गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है, अपेक्षा गुड आफ्टरनून हो रहा है। ठीक है, आप गुड मॉर्निंग लिख रहे हो। संदीप, सेवेंथ का फोर। ठीक है संदीप, मैं आपको सेवेंथ का फोर बता रही हूँ, सभी स्टूडेंट्स देख लें। सेवेंथ का फोर, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का फोर। सेवेंथ से तो मुझे आज स्टार्ट करना ही है, तो मैं पहले फर्स्ट बता देती हूँ, फिर फोर्थ बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। वो कह रहा है कि -3/5 रेशनल नंबर क्या नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में लाई करता है, 0 के लेफ्ट साइड में। यस yes. आपको पता है नंबर लाइन में मिड में 0 होता है, ये होते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स और यहाँ पे होते हैं नेगेटिव रेशनल, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर। तो आपको देखने से पता चल रहा है -3/5 है, तो ये पूछ रहा है, कह रहा है कि आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। -3/5 लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। यस, ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो आंसर आएगा यस। यस, लेफ्ट साइड में लाई करता है। ठीक है, क्लियर। इसने सेवेंथ का आपको फोर्थ पूछा है, मैं सेवेंथ का फोर्थ बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेवेंथ का फोर्थ देख लीजिए, सेवेंथ का फोर्थ है -18/-13, -18/-13। तो आप माइनस और माइनस कन्वर्ट हो गया किसमें, प्लस में। माइनस और माइनस को हमने जब कट किया तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो पॉजिटिव कहाँ लाई करेगा, अब ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो आपको -18/13 लाइज ऑन द लेफ्ट लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। नो, ये गलत हो गया। ठीक है, या इसका आंसर होगा राइट साइड। अब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो राइट साइड, राइट साइड में लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने काटते ही माइनस और माइनस को कट करते ही वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और पॉजिटिव कहाँ लाई करता है, 0 के राइट हैंड साइड पे। तो ये फोर्थ वाला रॉन्ग हो गया। क्लियर, और पूछिए डाउट। क्वेश्चन नंबर 3 का 6। ठीक है, 3 का 3, 3 का 6। ठीक है, 3 का 3 और 3 का 6 बता रही हूं मैं। 3 का 3 और 3 का 6 देख लीजिए। 3 का 3, 3 का 3, पहले 3 का 3 देख लीजिए आप। ये है -12/5 और -3। आपको बताना है इसमें से कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, इसमें से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेसर है। तो आपको है ना, इसके नीचे 1 लगा दीजिए, 1 लगा दीजिए, और इसका क्या ले लीजिए, एलशियम। क्या ले लेंगे, एलशियम। इसका एलशियम आएगा 5, 5 दोनों के नीचे लिख दिया। अब वही सिंप्लीफिकेशन का मेथड, नीचे वाले से डिवाइड और जो आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1, और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम -12 से। ठीक है, 5 को डिवाइड करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो आ जाएगा 5, और 5 को वापस मल्टीप्लाई कर देंगे हम -3 से। ठीक है, और यहाँ हमें साइन बताना है, ये है -12/5 आ जाएगा, यहाँ पर हमें साइन बताना है, ये होगा -15/5। अब आप बता सकते हैं कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा ग्रेटर है, और दोनों माइनस के, -12 और -15, और माइनस के केस में छोटा बड़ा होता है, बड़ा छोटा होता है, तो ग्रेटर कौन सा हुआ ये बताओ। क्लियर, कोई डाउट। अब आपने
सिक्स और पूछा है, थर्ड का सिक्स और बताती हूँ। ठीक है, थर्ड का अब मैं आपको बताती हूँ, थर्ड का सिक्स, थर्ड का सिक्स। ये तो था थर्ड, अब देख लीजिए सिक्स, इसी को रब करके बताती हूँ। ये तो क्लियर समझ में आ गया, थर्ड का सिक्स और देख लीजिए, सिक्स में क्या है, नाइन अपॉन माइनस थर्टीन और है, और सेवन अपॉन माइनस ट्वेल्व, देख लीजिए। आवाज आ रही है, वॉल्यूम, मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक है, चैट बॉक्स के थ्रू बातें मत करिए आप, जो कुछ पूछना है मुझसे पूछिए। आपने थर्ड का थर्ड पूछा था, वो मैंने समझा दिया, क्लियर है? अब थर्ड का सिक्स्थ बता रही हूँ। आपके पास ये है, तो मैंने क्या कहा, कभी भी डिनोमिनेटर को नेगेटिव में नहीं रखना है, नेगेटिव आप ऊपर ले जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस नाइन अपॉन थर्टीन और माइनस सेवन अपॉन ट्वेल्व। अब नीचे वाले का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम, थर्टीन और ट्वेल्व का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम लेंगे टू से, टू सिक्स जा ट्वेल्व, फिर टू से करेंगे, टू थ्री जा सिक्स, फिर थ्री से करेंगे, थ्री वन जा थ्री, फिर थर्टीन से करेंगे वन और वन, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, और ट्वेल्व को मल्टीप्लाई कर देंगे थर्टीन से, तो क्या आ गया, सिक्स थ्री और टू और वन, सिक्स फाइव वन, तो इन दो इसका एलसीएम आ गया वन फाइव सिक्स, वन फाइव सिक्स हम दोनों के नीचे लिख देंगे, क्लियर, वन फाइव सिक्स हम दोनों के नीचे लिख देंगे। थर्टीन को 156 को डिवाइड करेंगे 13 से, 156 को डिवाइड करेंगे 13 से, क्या आएगा 12, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 9 से। ठीक है, और यहाँ हमें साइन बताना ही है ग्रेटर और लेस का, 156 को डिवाइड करेंगे 12 से, क्या आएगा 13, और 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। ठीक है, 12 9 जा माइनस 108 अपॉन 156, और यहाँ पे 13 7 जा 91 माइनस 91 अपॉन 156। अब आप देख के बताइए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बताइए, 1 माइनस 108 बड़ा है या माइनस 91 बड़ा है? कौन सा बड़ा है, बड़ा छोटा होता है, छोटा बड़ा होता है, तो कौन सा बड़ा होगा, माइनस 91 इज ग्रेटर, क्लियर? और कुछ डाउट, और डाउट पूछिए, किसी को कोई डाउट है तो, क्लियर है, समझ में आ गया, माइनस 91 इज ग्रेटर। संदीप राइट, अपेक्षा, आयुषी, आयुषी क्लियर है, संदीप थर्ड का सेकंड, संदीप आप पूछ रहे हो थर्ड का सेकंड, थर्ड के सेकंड में क्या है बेटा, आप करके देखना। आप अब मैंने आपको दो समझा दिए, थर्ड थर्ड और सिक्स बता दिए, पहले भी मैंने दो बता चुकी हूँ, तो आप एक बार ट्राई करके देखना। मैं वैसे ऑरली बता देती हूँ, थर्ड का सेकंड पूछा ना आपने, तो माइनस थ्री को ऊपर ले जाओ, सॉरी माइनस ऊपर ले जाओ, माइनस फोर अपॉन थ्री, और इधर है माइनस एट अपॉन सेवन, तो थ्री और सेवन का एलसीएम ले लेंगे, थ्री और सेवन का एलसीएम क्या होता है 21, थ्री और सेवन का एलसीएम क्या होता है 21। अब आप कर सकते हैं, ठीक है, और पूछिए किसी को कोई डाउट है तो, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ, डाउट पूछिए स्टूडेंट, फिफ्थ का फोर्थ एंड सेकंड, फिफ्थ का फोर्थ, अच्छा ठीक है, फिफ्थ का फोर्थ में क्या है, फिफ्थ के फिफ्थ का फोर्थ, चलिए फिफ्थ का फोर्थ बता देती हूँ,
फिफ्थ का फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फोर्थ, और देख लीजिए आप फिफ्थ का फोर्थ क्या है, टू अपॉन थ्री कॉमा थ्री अपॉन फोर कॉमा फाइव अपॉन माइनस सिक्स कॉमा माइनस सेवन अपॉन ट्वेल्व। ठीक है, आपको इसको बताना है असेंडिंग ऑर्डर में, क्या बताना है इसका असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम जो नीचे डिनोमिनेटर में माइनस है उसको हम पहले ऊपर लेके जाएंगे, क्लियर स्टूडेंट। तो आप 2 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 5 अपॉन 6 और माइनस 7 अपॉन 12 टेक एलशियम, एलशियम लीजिए इसका। चलिए एलशियम लेके बताइए मुझे क्या आएगा इसका एलशियम, सभी स्टूडेंट एलशियम लीजिए, पता चले एलशियम ही नहीं आ रहा है। ट्वेल्व राइट आंसर, प्रांजल का बिल्कुल सही आंसर है, इसका एलशियम 12 ही आएगा। मैं निकाल के भी बता देती हूँ आपको, पहले हम 2 की टेबल से कर रहे हैं, 2 जा 2 3 जा 2 6 जा 12, फिर वापस 2 से कर रही हूँ मैं डिवाइड, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 2 2 जा 4 4 3 जा 12, बिल्कुल सही है एलशियम क्या आएगा इसका 12। अब सबके नीचे हम 12 लिख देंगे, कैसे सबके नीचे हम 12 12 12 12, ठीक है, इसमें भी 12 इसमें भी 12 इसमें भी 12 इसमें भी 12, क्लियर स्टूडेंट। अब वही तरीका, नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, सेम प्रोसेस बताया था मैंने लास्ट टाइम, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2, उसी के ऊपर वाले से 2 से, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आएगा 3, 3 को उसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 6 से आएगा 2, और 2 को उसी के ऊपर वाले माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 12 से क्या आएगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसी के ऊपर माइनस 7 से। अब देख लीजिए 8 अपॉन 12 9 अपॉन 12 ये क्या है माइनस 10 अपॉन 12 माइनस 7 अपॉन 12, क्लियर स्टूडेंट। अब मुझे बताओ असेंडिंग के ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, इसमें से सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा क्या है माइनस 10 अपॉन 12 सबसे छोटा है, फिर उसके बाद माइनस 7 अपॉन 12, फिर उसके बाद है 8 अपॉन 12 और सबसे बड़ा है 9 अपॉन 12, ठीक है। और ये किसकी वजह से आया है, यहाँ से आपको देखना है माइनस, यहाँ ये 10 किसकी वजह से है, इसकी वजह से, तो माइनस 5 ये क्वेश्चन आपको वापस लिखना है आंसर में, ठीक है, कि क्या कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, तो 10 किसकी वजह से आया, इसकी वजह से, तो 5 अपॉन माइनस 6, फिर माइनस 7 किसकी वजह से आया, माइनस 7 अपॉन 12 की वजह से, फिर 8 2 अपॉन 3 की वजह से, और फिर सबसे छोटा 3 अपॉन सबसे बड़ा 3 अपॉन 4, क्लियर स्टूडेंट। आपको वापस क्वेश्चन पुटअप करना है, ये करने के बाद में ये वैल्यू किसकी वजह से आई, ये वैल्यू चारों वैल्यू किसको वजह से आए, वो क्वेश्चन को वापस, क्वेश्चन का जो रेशनल नंबर है उसको वापस पुट करना है, और पूछिए डाउट, क्लियर हो गया। 6 के 4 में क्या प्रॉब्लम थी, 5 का 2 सारे एक जैसे ही है, जो मैंने अभी अभी आपको करवाया है ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, ये जो मैंने अभी समझाया है आपको डिनोमिनेटर सेम करके न्यूमरेटर को देख करके आपको बताना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये समझ में आया कि नहीं आया। अब आप सब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लास्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ, ठीक है। आपको अगर ये समझ में आ गया ना तो आप सब कुछ कर सकते हो, आप एक एक करके आप सभी क्वेश्चन मुझसे पूछोगे तो ऐसे टाइम पास होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रही हूँ, 8, 9 और 10 आपको समझाने जा रही हूँ, ठीक है। इसमें से 3 में से 2 मैं बताऊंगी, 1 आप खुद करोगे, क्लियर स्टूडेंट। 8 और 9 मैं बताऊंगी, 10 आप खुद करोगे होमवर्क में। अब ये समझ में आ गया तो आप जो जो मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो वो यही है, सिर्फ डिजिट का अंतर है।
अब आपको ये समझ में आ गया तो आप खुद अपने आप से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरे को जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आप पूछ सकते हो, लेकिन आप खुद ट्राई करिए। आप एक एक करके आप सभी लोग सब कुछ पूछे जा रहे हैं, ठीक है? आपको ट्राई करिए, ये समझ में आ गया कि नहीं इसको मैं रिपीट कर सकती हूँ। बोलिए। सेवन के फर्स्ट में आपको नंबर लाइन बना के शो करना है कि नंबर लाइन में मैंने आपको बताया नेगेटिव होते हैं लेफ्ट साइड में, नेगेटिव रेशनल नंबर लेफ्ट साइड में, और पॉजिटिव होते हैं राइट साइड में। तो वो आपसे यही पूछ रहा है ट्रू फॉल्स में। देखो कुछ नेगेटिव दे रखे हैं, कुछ पॉजिटिव दे रखे हैं, तो आपको ये आपको देख के बताना है। अगर नेगेटिव है तो लिख दो लेफ्ट साइड में है ना, और पॉजिटिव है तो राइट साइड में। ट्रू फॉल्स का आंसर देना है। अगर उसने नेगेटिव लेफ्ट में दे रखा है, लेफ्ट जीरो के लेफ्ट में होता है तो कह दो यस, राइट में दे रखा है तो नो। ठीक है, नंबर लाइन से अभी मैं दो समझा चुकी हूँ स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में क्लास स्टार्ट होते ही मैं समझा चुकी हूँ, क्लियर। अब हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, फाइंड द फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड बिटवीन -3 एंड -2। ठीक है, -3 और -2 के बीच में आपको फाइव रेशनल नंबर्स बताने हैं, क्लियर। कैसे करते हैं इसको? क्वेश्चन नंबर 8, -3 एंड -2, इसके बीच में आपको फाइव रेशनल नंबर्स बताने हैं। स्टूडेंट कितने रेशनल नंबर्स? फाइव रेशनल नंबर्स। तो जितने रेशनल नंबर्स आपको बताने हैं उसमें एक प्लस करना है। फाइव आपसे आपको फाइव फाइंड आउट करने तो फाइव में वन प्लस कर दीजिए। ठीक है, फाइव में प्लस वन कर दीजिए तो क्या हो गया ये 6। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपको इसके नीचे भी डिनोमिनेशन लगा देना है अपनी मर्जी से। एक वन लगा सकते हैं, इसमें भी वन आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? प्रीवियस क्लास में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। अब जो आपका ये 6 है, 6 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर पहले डिनोमिनेटर 1 लगा देंगे, लगा सकते हैं हम। अब जो 6 है, 6 को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से भी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6। क्लियर, ये कितना आ गया -18/6, ये कितना आ गया -12/6। क्लियर, और इस एक सबसे खास बात आपको ध्यान रखने की, डिनोमिनेटर सेम करना होता है। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं कर पाओगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं हो पाए। डिनोमिनेटर ऑटोमेटिक सेम हो गया कि नहीं? अब इसके बीच में आपको कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 5। तो इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? -17/6, -16/6, -15/6, -14/6 और -13/6। हो गए 5 रेशनल नंबर। क्लियर, बोलिए कोई डाउट? समझ में आ गया? क्लियर, प्रॉब्लम बताइए। ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने कहा है रिपीट। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन मैं वापस रीड कर रही हूँ। फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड -2। -3 और -2 के बीच में आपको फाइव रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो फाइव जितने भी आपको जरूरी नहीं है 5 से एग्जाम में 6, 7 जो भी, मतलब जितने भी वो आपसे फाइंड आउट कराए उसमें प्लस वन कर देना। 5 मैंने निकलवाए उसमें प्लस वन कर देना 6। अब ये -3 के नीचे 1 और -2 के नीचे 1 लगा देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर है नहीं, तो डिनोमिनेटर अपनी मर्जी से हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, लगा दिया मैंने। अब जो ये 6 है, 6 को ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के केस में। इसमें भी कर दिया मैंने और इसमें भी कर दिया। इतना समझ में आ गया?
अब मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस थ्री को सिक्स से करेंगे तो माइनस 18, और नीचे डिनोमिनेटर सिक्स वन जा सिक्स, यहाँ पे माइनस टू को सिक्स के कर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 और सिक्स वन जा सिक्स। अब इन दोनों के बीच में आप नंबर लाइन से देख लीजिए, इन दोनों के बीच में क्या नंबर आएंगे, माइनस 17 आएगा, माइनस 16 आएगा, माइनस 12 आएगा, माइनस 14 आएगा, माइनस 13, इन दोनों के मिड में आना चाहिए, बिटवीन। बिटवीन वर्ड यूज हुआ है ना कि मैंने, तो हम इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे, इनके बीच के नंबर को, बीच के रेशनल नंबर को कंसीडर करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, आप पूछे कोई डाउट? सब कुछ कॉपी में करना है, ये इस टाइप से मैसेज कौन सेंड कर रहा है, ये चैट बॉक्स में इस टाइप से मैसेज कौन सेंड कर रहा है? सेवेंथ क्वेश्चन करना है, इतनी बार क्या पूछ रहे हो आप, कौन है ये? सेवेंथ क्वेश्चन करना है, आप चैट बॉक्स में इतना भर भर के क्या पूछ रहे हो, एक लाइन में पूछिए, सेवेंथ करना है कि नहीं करना है? करना है, एक्सप्लेन किया है मैंने तो आपको, करना है, आते ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर आप चैट बॉक्स में कौन स्टूडेंट है ये जो पूछ रहा है इतना? सेवेंथ करना है, कौन है ये स्टूडेंट? ये एडिट मैसेज कौन पूछ रहा है, ये कौन स्टूडेंट है ये? सेवेंथ मैंने पहले ही बोल दिया करना है आपको, उसके बाद भी विष्णु आप क्यों इतना डाउट क्यों कर रहे हो इतना? आपको मैंने आते ही समझा दिया, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ के दो पार्ट समझा दिए, एक मैंने आते ही सेवेंथ का फर्स्ट बता दिया था, करना है, ट्रू फॉल्स है, इसको आप एक्सप्लेन करके कर सकते हो नंबर लाइन बना करके, फर्स्ट बता दिया था, और संदीप ने मुझसे फोर्थ पूछा था सेवेंथ का, वो भी बता दिया था, तीन आपको मैंने दो बता दिए, दो तीन आपको खुद को करने, इतना एडिट मैसेज और पता नहीं क्या क्या डाल रहे हो। ठीक है, फालतू चैट बॉक्स में कुछ ही मैसेज मत डाला करो। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 9 और 10 में से कोई एक पूछ लीजिए, 9 आप अपने आप कर लेंगे तो मैं 10 बता देती हूँ। ठीक है, 10 बता दूं? टेन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, 5 रेशनल नंबर बिटवीन माइनस थ्री अपॉन फाइव एंड -1/2। ठीक है, -1/2 और -3/5। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, टेक एलसीएम, एलसीएम इसका आ जाएगा 10, सबको पता है 10 आ जाएगा, तो 10 हम इसके नीचे लिख देंगे, 10 इसके नीचे भी और 10 इसके नीचे भी। क्लियर, तो 5 टू जा 10 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -3 से, 2 5 जा 10, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। अभी तक हम ऐसे सिंप्लीफाई करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया -6/10 और ये आ गया -5/10। अब देखो ध्यान से देखना, -6/10 और -5/10 इसके बीच में कोई गैप नहीं है, कंटिन्यू नंबर है, तो आप 5 रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? तो फिर इसको हम जब तक इनके बीच में 5 रेशनल नंबर नहीं आ जाते तब तक आपको मल्टीप्लाई करना है। अभी देखो कंटिन्यू नंबर है -6 और -5, आप इसके बीच में 5 कैसे निकालोगे? तो इनको फिर आप फिर डिनोमिनेटर को किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करके इक्वल करेंगे। ठीक है,
तो हम अब की बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से ऊपर और 4 से ही नीचे, इसको 4 से और इसको 4 से, ठीक है। जब तक इन 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 रेशनल नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर नहीं आ जाते, तब तक आप किसी ना किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हुए आपको डिनोमिनेटर इक्वल रखना है, ठीक है। तो ये आपका आ गया माइनस 24 अपॉन 40, और ये हो गया माइनस 20 अपॉन 40, ठीक है। अभी देखो माइनस 24 और 20 के बीच में अभी भी 5 नहीं आ रहे, माइनस 13, माइनस 23, माइनस 22, माइनस 21, तीन आए, 5 अभी भी नहीं आए। फिर इसको फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अब की बार हम कर रहे हैं इनको मल्टीप्लाई 2 से, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। कहने का मतलब है सेम डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करना है, सेम, जब तक इनके बीच में 5 रेशनल नंबर नहीं आ जाते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 8 और 9 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक बार में आ गया, लेकिन इसमें आपको बार बार करना है मल्टीप्लाई जब तक इनके बीच में 5 रेशनल नंबर नहीं आ जाते। ये कितना आ गया 48 माइनस 48 अपॉन 80, ठीक है। और ये आ गया माइनस 40 अपॉन 80, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर आ गए, 5 रेशनल नंबर आ गए, ये देखो क्या कौन कौन से, माइनस 47 अपॉन 80, माइनस 46 अपॉन 80, माइनस 45 अपॉन 80, ठीक है, माइनस 44 अपॉन 80 और माइनस 43 अपॉन 80, ठीक है। आगे 5 रेशनल नंबर, माइनस 47 अपॉन 80, माइनस 46, माइनस 45, माइनस 44 और माइनस 43, क्लियर। 5 रेशनल नंबर्स आ गए, तो आपको तब तक करते रहना है इसको डिनोमिनेटर को इक्वल करते हुए, तब तक उस डिजिट आपको सोचना है कौन कौन से डिजिट से करना है, ये आपको मल्टीप्लाई करके पता चलेगा जब तक इसके बीच में 5 रेशनल नंबर्स नहीं आ जाते, क्लियर स्टूडेंट। और पूछिए डाउट। ठीक है, और मैं इसको सेंड कर दूंगी और एक बार आप समझ लेना कैसे हुआ। अब जल्दी से निकालिए नेक्स्ट, फटाफट निकालिए एक्सरसाइज 4C, इसमें ऐड करना है, जल्दी से फटाफट 4C निकालिए, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 9 आप होमवर्क में नोट कर लेना, 7 में 10 मैंने बता दिया, फिर एक बार और अगर रिपीट करना है तो देख लीजिए, समझ में आ गया, ठीक है। और मैं आपको सेंड कर दूंगी तो एक बार और पढ़ के देख लेना आप, क्लियर। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करते जाएंगे तो अपने आप 2 रेशनल नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। 9 होमवर्क में निकालिए जल्दी एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, एक्सरसाइज 4C। एक्सरसाइज 4C निकालिए, 4C क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सबको आता है, फर्स्ट सबको आता है, एड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। मैं आपको इसके 2 क्वेश्चन बता देती हूँ, ठीक है, या तो आप पूछ लीजिए, फर्स्ट तो मैं बता ही देती हूँ, फर्स्ट तो बहुत सिंपल है, एड फर्स्ट का फर्स्ट ये है 7 और एंड, जहां एंड लग रहा है उस एंड को हटा करके आप लगा देंगे प्लस 3 अपॉन 7। अब इसमें एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है तो उसमें तो एलसीएम की जरूरत नहीं है, 7 का 7 ही आ जाएगा और ऊपर न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 15 अपॉन 7। अब जब भी ये ध्यान रखना, जब भी डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है तो आप जो आंसर है वो मिक्स सेक्शन में देंगे, डिवाइड करके रफ में डिवाइड करेंगे और मिक्स सेक्शन में आंसर आएगा 2 1 अपॉन 7, ठीक है। जब भी डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है तो आप इजीली डिवाइड करके देख सकते हैं और मिक्स सेक्शन में आंसर देंगे 2 1 अपॉन 7, क्लियर स्टूडेंट। अब इसका और कुछ पूछ लीजिए, आप खुद पूछ लीजिए, 5 या 8 कोई कुछ भी,
फर्स्ट में फर्स्ट का फर्स्ट मैंने बता दिया है। और पूछ लीजिए, कोई इसका कोई पार्ट और बताना है? नहीं, मैं अपनी मर्जी से बता देती हूँ। ठीक है, एट्थ बता देती हूँ। क्लियर, इसका एट्थ पार्ट बता देती हूँ। एट्थ देख लीजिए, इसका एट्थ है आपका माइनस थ्री अपॉन सेवन प्लस फाइव माइनस थ्री अपॉन सेवन, ये है। एंड को हटाकर आप प्लस का साइन लगा लेंगे, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब दूसरी चीज है, मैंने क्या बताया आपको, डिनोमिनेटर को नेगेटिव में नहीं रखना है, वो नेगेटिव आप स्टार्टिंग में ऊपर ले जाएंगे, आप स्टार्टिंग में ही ऊपर ले जाएंगे, थ्री अपॉन सेवन प्लस माइनस फाइव अपॉन सेवन। और आपको पता ही है ऊपर ऊपर ले जाने का क्या प्रोसेस है, मल्टीप्लाई बाय माइनस वन एंड माइनस माइनस वन से ही मल्टीप्लाई और माइनस वन से ही डिवाइड करते हैं, तो ऑटोमेटिक डिनोमिनेटर कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में। क्लियर, अब आप इसका एलसीएम अब तो सब बच्चे कर सकते हैं, इसमें भी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर इसमें सेम है, डिनोमिनेटर सेम, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा माइनस थ्री माइनस फाइव, प्लस और माइनस इसका ध्यान रखना, प्लस और माइनस मिलके माइनस बनता है माइनस फाइव, तो आपका हो जाएगा माइनस एट अपॉन सेवन। अभी इस केस में भी डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इसको किसमें आंसर दे सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा माइनस वन वन अपॉन सेवन इज द राइट आंसर। क्लियर, माइनस को नहीं भूलेंगे आप, माइनस साथ साथ रखेंगे। और पूछिए कोई डाउट। सेवन नुपुर और मेहर, अभी मैंने फर्स्ट और लास्ट बताया है, सारे एक जैसे ही है, डिनोमिनेटर सेम है, सबके डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर बता दिया ना, जिसका डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को आपको प्लस माइनस करके आंसर देना है। इसमें तो इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन में तो पूछने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी, आपको कोई एलसीएम नहीं निकालना, कुछ नहीं निकालना, डिनोमिनेटर सेम, तो आप कर सकते हो। मैंने फर्स्ट का फर्स्ट और लास्ट बता दिया है, टू से लेकर के सेवन तक आपको करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर टू बताने जा रही हूँ, अब मैं क्वेश्चन नंबर टू बता रही हूँ, जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो उसमें डिनोमिनेटर को हमें एलसीएम लेके सेम करना है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर टू पे, क्वेश्चन नंबर टू का मैं फर्स्ट बता रही हूं आपको। क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट है आपके पास, एड द फॉलोइंग रेशनल नंबर, इसमें भी एड ही करना है, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, आपको डिनोमिनेटर एलसीएम लेकर सेम करना है, ठीक है। माइनस टू अपॉन फाइव प्लस थ्री अपॉन फोर, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब इसका एलसीएम सबको पता है क्या है, इसका एलसीएम आएगा ट्वेंटी, क्या आएगा, निकाल लोगे या निकाल के बताऊं? निकाल, एक 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 क्वेश्चन का मैं आपको निकाल के बता देती हूँ। एलसीएम सबको आता ही है, सेवन्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं हम, फाइव और फोर का एलसीएम लेंगे, पहले टू से करेंगे, टू टू जा फोर, फिर टू से वापस करेंगे, टू वन जा टू, फिर फाइव से करेंगे, फाइव वन जा फाइव, टू टू जा फोर, फोर फाइव जा ट्वेंटी, इसका एलसीएम क्या जाएगा, ट्वेंटी, क्या जाएगा, ट्वेंटी। अब ये ट्वेंटी एलसीएम जो आ गया, उसको हम इनके नीचे लिख देंगे, इसके नीचे लिख देंगे ट्वेंटी। क्लियर स्टूडेंट, कोई डाउट? अब जो सिंप्लीफाई का तरीका है वैसे ही करेंगे, नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ट्वेंटी को डिवाइड करेंगे फाइव से, ट्वेंटी को वही जैसे अपन सिंप्लीफाई करते हैं वैसे ही करना है, ट्वेंटी को डिवाइड करेंगे फाइव से तो क्या जाएगा, फोर, क्या जाएगा, फोर, और फोर को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस टू से, प्लस ट्वेंटी को डिवाइड करेंगे फोर से तो क्या आ जाएगा, फाइव, फाइव आ जाएगा, जैसे सिंप्लीफाई अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है, ट्वेंटी को डिवाइड कर देंगे फोर से तो क्या आ जाएगा, फाइव, और फाइव को मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री से। क्लियर, सिंप्लीफिकेशन जो अभी हमने एक्सरसाइज ए में, ये भी एक तरीका किया, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। अब बताइए सॉल्यूशन करके बताइए क्या आंसर आएगा,
माइनस फोर को माइनस टू से फोर को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एट, और फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/20। क्लियर? 15/20। 15 में से 8 को माइनस कर दीजिए, एक माइनस का एक प्लस का, तो अंडरस्टूड है, सब्ट्रैक्शन होगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो 15 में से माइनस 8 को कम कर देंगे तो क्या जाएगा 7/20। 7/20 इज द राइट आंसर। क्लियर? अब इसमें ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो हम इसको मिक्स में आंसर दे नहीं सकते, तो आप देख लेना यही आंसर होगा 7/20। ठीक है, अब जरा जल्दी से इसका, आप सभी लोग इसका सेकंड करके बताओ, अभी हमारे पास टाइम है, इसका जल्दी से सेकंड करके बताइए। सेकंड है -5/9 एंड 2/3। देखो किस किस के समझ में आ गया, सॉल्यूशन करके बताना, इमीडिएट मुझे नहीं बताना, सॉल्यूशन करके और फिर आंसर बताना। -5/9 एंड 2/3। जल्दी करिए, सेकंड का सेकंड, -5/9 एंड 2/3 इसको ऐड करना है। गुड, देखते हैं किस किस ने सही किया। संदीप राइट आंसर, संदीप राइट आंसर, सॉल्यूशन किया है या बैक साइड से आंसर देखा है, आंसर शीट में से? संदीप सॉल्यूशन किया है, जो बैक साइड से मुझे आंसर चीटिंग करके फिर बताएगा, आंसर चीट करके उसका नुकसान है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको एक समझा दिया, अगर नहीं आ रहा तो मैं दोबारा समझा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा क्वेश्चन भी समझा सकती हूँ, लेकिन एक आप सेकंड देखते हैं किस किस बच्चे को आ गया समझ में। ओके संदीप, ठीक है, ओके संदीप, अगर सॉल्यूशन किया है तो वेरी गुड बेटा। ठीक है, और किसने किया है अभी तक? एक बच्चे ने किया है। उपलब्धि राइट आंसर, इसको रिपीट करना है, कुछ बच्चों ने कहा इसको रिपीट करो, मैं कर दूंगी। उपलब्धि आप भी मुझे अलग से सॉल्यूशन सेंड करोगी, ठीक है, उपलब्धि काला, ठीक है, नहीं समझ में आया वापस समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये क्वेश्चन है, सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर का नहीं लेते, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेना आप सबको आता ही है, 5 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते, फिर 2 से 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, फिर 5 से 5 1 जा 5, ठीक है, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। तो आप सब निकाल के देखना, एलसीएम आपको सभी क्वेश्चन में साइड में निकालना है, कोई रफ में नहीं निकालेगा, हर क्वेश्चन के सामने आपको शो करना है एलसीएम, ठीक है। आप इस पूरे के नीचे जिसको समझ नहीं आया देख लें दोबारा, उन सबके नीचे हमने 20 लिख दिया। क्लियर? अब 20 वही सिंप्लीफाई सिंप्लीफिकेशन जो भी हम असेंडिंग डिसेंडिंग ग्रेटर स्मॉलर सब में करते आ रहे हैं वही तरीका है। 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, 20 को डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आएगा 4, और 4 जाके उसी के ऊपर वाले नंबर, उसी के ऊपर क्या लिखा है -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यही तो करते आ रहे हैं अभी तक सिंप्लीफाई। ए में भी ये किया है, 4A में 4B में, ठीक है, 20 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आ जाएगा 5, और 5 को उसी के ऊपर वाले नंबर जो भी डिजिट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट? सबका एक ही तरीका है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -8, क्या आया -8, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आ जाएगा 15। क्लियर? आप 15 में से -8 को कम कर देंगे, जुड़ तो सकता नहीं, ऐड तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, ऐड कब होगा, या तो माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो तभी ऐड होगा, लेकिन यहाँ एक माइनस है एक प्लस है तो सब्ट्रैक्ट ही होगा, ठीक है, तो 15 में से -8 को माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, 7/ आपने क्या एलसीएम निकाला था 20 एज इट इज। अब 20 बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है,
न्यूमरेटर छोटा है तो आप मिक्स फ्रैक्शन में आंसर नहीं दे सकते, इसको यहीं पे छोड़ना है। क्लियर स्टूडेंट? अब आपको होमवर्क करना है, कहाँ तक? सेकंड तक कर लेंगे, सेकंड तक कर लीजिए, और क्या है, थर्ड तक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड तक आप होमवर्क कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। 3 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में डिनोमिनेटर सेम है, कुछ कुछ में अलग है तो एलसीएम लेके कर सकते हो। थर्ड में मिला जुला है क्वेश्चन, आप थर्ड को भी ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आपका आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 और प्रीवियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और 7, 7 ट्रू फॉल्स है, 9 मैंने स्किप कर दिया था, आपने कहा 10 बता दो, 9 अपने आप हम अपने आप कर लेंगे। और 4 सी का आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्लियर स्टूडेंट? और पूछिए डाउट। ओके स्टूडेंट, टाइम इज ओवर नाउ। ओके, बाय बाय।